रामपुर में समलैंगिकता का मामला सामने आया। दो किशोरियों ने किया आपस में प्रेम, लेकिन परिजनों ने किया विरोध तो दोनों हुई घर से फरार। यूपी के रामपुर में हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर दो दोस्तों की दोस्ती इतनी आगे बढ़ी कि दोनों किशोरियों की दोस्ती को आपस में प्रेम बदल गया। प्रेम इतना परवान चढ़ा कि दोनों ने एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए साथ रहने का फैसला कर लिया। जब इस बात की जानकारी परिवार वालों को हुई तो उन्होंने इसका विरोध किया, तो दोनों ही किशोरियां घर छोड़कर फरार हो गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। इस मामले में परिवार वालों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और कार्यवाही में जुट गई है। घटना रामपुर के थाना शहजाद नगर क्षेत्र के धमूरा गांव की है, जहां नेहा और शिवानी आस पड़ोस में रहती है और साथ में ही स्कूल जाती थी। दोनों में गहरी दोस्ती थी, दोस्ती इतने आगे बढ़ी कि दोनों में आपस में प्रेम हो गया और दोनों एक साथ रहने का मन बना लिया, जिससे नाराज परिजनों ने दोनों का विरोध किया तो दोनों किशोरी घर से दवाई लेने के बहाने निकली और फरार हो गई। परिजनों ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में रह रहे अपने परिचित लोगों के यहाँ तलाशा तो दोनों का कहीं अता पता नहीं लग सका। थक हार कर परिवार वालों ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। पुलिस ने दोनों की बात सुनते हुए तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं इस मामले में दोनों किशोरियों के परिजनों ने बताया कि उनकी लड़कियां बहुत अच्छी आपस में दोस्त थी, दोस्ती इतनी बड़ी कि दोनों आपस में प्रेम करने लगी, जिसका उन्होंने विरोध किया तो वे घर से दवाई लेने के बहाने चली गई। अब दोनों लड़कियों के परिवार वाले एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं एसपी अरुण कुमार ने बताया कि दोनों दोस्तों थी और दोनों घर से दवाई लेने के बहाने फरार हो गई हैं। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वो कहाँ लौटे, अब हमें बहुत परेशान कर रहे हैं सब जने। तुम्हारा दोस्त लग रहा होगा कि नेहा लेके गई है शिवानी को, सब इल्जाम लगा रहे हैं। और तुम जहाँ पर होता आ जाओ बेटा, मम्मी पापा बहुत रो रहे हैं और सब परेशान है। छोटे बार भैया और मंजू बहुत रो रही है तेरी। बेटा जहाँ हो तहाँ हम तेरे हाथ जोड़ रहे हैं, तू आ जा हमें बचा ले। यहाँ पे बहुत परेशान कर रहे हैं लोग हमें। मेरे बेटा मैया ना बचाएगी, तू लौट कर नहीं आएगी तो। ठीक ठीक। तुम्हारी बेटी का क्या नाम है? नेहा। पूरी बात बताओ, क्यों वो गायब हो गई, क्या वजह थी? मेरी बेटा गायब तो मुझे ये नहीं पता क्यों गायब हो गई, कि मेरे बेटा तो घर सही सलामत ही, मेरे घर पर कोई दिक्कत भी नहीं। और मैं अपनी बेटी से ना तो पापा कुछ कहते ना मैं कुछ कही थी, मेरी लड़की को कोई परेशानी नहीं थी। मर एक दूसरे से जो प्रेम करने लगी, बरतलाने लगी, तो उसके बाद में इसके मम्मी पापा इसे मारते। मम्मी उसकी पिटवाती, पापा ने एक दिन हाथ उठा दिया उसके ऊपर। तो उसके बाद में मेरी लड़की से कहती कि तू चल, मेरी लड़की मना कर रही थी मैं नहीं जाऊंगी। तो फिर मेरी लड़की मजबूर कर दी उसने, मरने की धमकौनी दी है। तो मेरी लड़की उसके साथ में गई है। ये आपस में प्रेम करती थी दोनों? आपस में ऐसी बोल देती, तो दोनों प्रेम करती थी। प्रेम ही समझ ले, प्रेम ही करती। तो अब ये दोनों अपनी मर्जी से गई, कोई लेटर मिला है आपको? जी। तो अब कहाँ कहाँ ढूंढ रही हैं आप? हम पूरे लिद्दरपुर जिला में पूरे में ढूंढे आए, मगर हमें कहीं पे पता नहीं मिली। मैं कंपनी में तक हमने ढूंढ खकोड़ निकाल ली, रिश्तेदार ऐसी रिश्तेदारी हमने कोई नहीं छोड़ी है जो हमने ढूंढी नहीं। फोन नंबर है उनके पास? नहीं, मेरी बेटी के पास नहीं है फोन नंबर। उस लड़की के पास? उसकी मुझे नहीं पता। तो इन दोनों साथ में रहती थी? जैसे जाती कहीं पर नहीं, यहीं से हमारी दीवार छोटी से वहीं से बोल देती। अच्छा। तो कभी आपने देखा इनको, जैसे आपस में प्रेम करती हैं तो कहीं ना कहीं जाती होंगी? पहले नहीं, भी हमारी लड़की कहीं पर नहीं जाती। तो अब ये लेके ये लड़की गई है? जी, लड़की शिवानी लेके गई है मेरी लड़की, दवाई के बहाने से दवाई को लेकर गई है मेरी लड़की। जब मेरी लड़की से जब बोलने नहीं देती तो मेरी लड़की को दवाई को लेकर क्यों गई? आप रिपोर्ट दर्ज करा दी तुमने? हाँ जी। कार्रवाई हो रही है इसमें? नहीं, कोई पता नहीं जो कार्रवाई हो रही है नहीं हो रही है। पुलिस गई है कहीं ढूंढने? नहीं गई है अभी। कहता वही लड़की का क्या नाम है? शिवानी। जो गायब हुई है? शिवानी। क्या हुआ, पूरी बात बताओ, कैसे गायब हुई? ऐसा 4 बजे टाइम में ये मम्मी से गए दवाई लेने जा रहे हैं। वो बोले क्या नाम पवन के क्या नाम है, तो पवन के ले जाऊँ। वो बोले कपड़ा धो लू, साथ ही चली गई। बोले पवन ट्यूशन पे गया, पवन को लेके चले जाऊँ, बस इतना बात है। 100 रुपये मम्मी से ले गई, उसके बाद क्या नाम है। तो इसके नेहा के साथ गई? नेहा के साथ अभी ये नहीं पता, घर से नहीं गई, अब आगे से गई थी। आगे से गई है। तो आपस में दोनों प्रेम करती थी क्या?
आपस में दोनों बासी ज्यादा थे, किसी बात मानते नहीं थे, दोनों प्यार करते थे आपस में। तो आप लोगों ने समझाया कभी इनको? नहीं, मना करते थे, मानते नहीं थे। नहीं मानते थे। अब रिपोर्ट दर्ज हो गई है? रिपोर्ट तो थाने में, मतलब वो सोमवार के 12 बजे करीब में पुलिस आई थी। पुलिस आई थी। तो आप लोग कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो? आप लोग कुछ पता लगा अभी तक? नहीं, एक बार बरेली गया और उदयपुर गया बस। कौन सी क्लास में पढ़ती थी वो? सातवीं में, मतलब वो छठी से सातवीं में आए तो उसके बाद छोड़ दी, 3-4 साल पढ़ाई नहीं करती। अच्छा, तो क्या चाहते हो, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मिलना चाहिए लड़की। तो आपको जब पता था ये दोनों आपस में प्रेम करती हैं, तो पहले आपने समझाया, दोनों को बिठा के समझाया? नहीं समझाया, मतलब नहीं मानते। नहीं मानती थी, क्या कहती थी? घर में तो घर नहीं बैठती थी, बाहर मतलब दोनों फिर एक साथ रहती थी। क्या कहती थी दोनों? अब दोनों मतलब जवाब नहीं देती थी, बाकी दोनों मिलना जुलना नहीं मानती, मिलना जुलना नहीं मानती थी। चलो ठीक है। थाना शहजाद नगर क्षेत्र में दो लड़कियां जो है गायब है, क्या है मामला सर? ये दो लड़कियां आपस में बहुत घनिष्ठ सहेली है, दोनों घर के गायब है। उनके परिजनों ने जो तहरीर दी है, रात में थाना शहजाद नगर में बरामद किया, अभियोग पंजीकृत कर लिया गया, विवेचना की जा रही है। उप निरीक्षक जो मुख्य प्रभारी है उनसे मेरी जो वार्ता हुई, तो उनके घर से कोई एक लेख भी मिला है जिसमें एक लड़की ने लिखा है हम लोग अपनी मर्जी से जा रहे हैं, तो किसी का कोई दोष नहीं। लेकिन फिर भी एक तो वो लड़कियां अभी जैसा बताया जा रहा है 17-18 साल के आसपास उनकी उम्र है, तो उनके होने के चांसेस पूरा है। और पुलिस की जिम्मेदारी है कि पहले हम उन्हें बरामद करें, उनका बयान जाने और मेडिकल परीक्षण कराएं, आगे विधि कार्यवाही करें। सबसे पहले हमारे लिए प्रथम कार्य है कि हम उसकी बरामद करें। पुलिस उसके लिए निरंतर प्रयास है। ठीक है।